आए थे यहाँ पे, ये टूरिस्ट आए, ये 5-6 दिन से यहाँ पे फंसे हुए थे। तो कल ये अचानक हमारे होटल पे आए तो ये बहुत घबराए हुए थे और बहुत परेशान थे। तो हमने इनको बोला कि हमारा होटल जो एक्चुअली जो बर्फबारी हुई थी यहाँ पे, ज्यादा बर्फबारी हुई थी, ये एक्चुअली बंद था। हमने इनके लिए होटल खोल दिया और हमने इनको बोला जब तक आप रहना चाहो रह सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमने इनको खाना भी प्रोवाइड किया, उसके भी पैसे नहीं लिए। और हमने इनको बोला कि आपकी मर्जी है, जब तक आप रहना चाहो रह सकते हो। हमने इनको हीटिंग सिस्टम है हमारे यहाँ, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट इस वक्त, वो हमने प्रोवाइड किया, रूम हीटर प्रोवाइड किए, गर्म वाटर जो है इनको प्रोवाइड किया। तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दिया? हमारे जो हमारे जो है दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इतायत के लिए काम न थे करो भैया। ये हमारी कश्मीरियत की पहचान है। सबसे पहले हम जो है ह्यूमैनिटी फर्स्ट, हमने इंसानियत के वास्ते इनको ये प्रोवाइड किया, क्योंकि यही हमारी कश्मीरियत की पहचान है कि हम इसी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। लेकिन घबराने की कोई दिक्कत नहीं है ऐसा मुझे अब लग रहा है, क्योंकि इधर के बंदे तो बहुत अच्छे हैं। सबने हमारी मदद की, सबने हमारा अच्छे से ख्याल रखा है। लेकिन ये ख्याल रखते रखते अभी कितने दिन रखेंगे ऐसा मुझे हमें ही लग रहा है। रोज ये हमें खाना दे रहे हैं, सोने के लिए जगह, रहने के लिए रूम, सब अच्छा है। लेकिन हम मेहमान नवाजी कितने दिन तक करे ऐसा हमें ही लग रहा है। उनको हमारी कुछ तकलीफ नहीं है, वो तो खुश है। हमारे जो मेहमान नवाजी कर रहे हैं उसमें वो बहुत खुश है। बाद में स्नोफॉल की वजह से सब हमारा शेड्यूल कोलैप्स हो गया। मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी बोला जाता है, जो भी सुना जाता है, वो थोड़ा सा उसमें पॉलिटिकल ऐसा टच रहता है, हमें उससे जाना नहीं है। क्योंकि मैं एक औरत हूँ, मैं ये फील करती हूँ कि मैं मेरे महाराष्ट्र से अलग स्टेट पे आई हूँ। जब भी हमारे घर वालों ने हमें यहाँ अकेले भेजा तो उनका भी कुछ कॉन्फिडेंस था कि हमें कश्मीर अलग जगह भेज रहे हैं। और जो भी कुछ सुना गया है तो उन्होंने भी बहुत कॉन्फिडेंस हमें दिलवाया। और जब फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पे पैर रखा तभी से आज तक मैंने फील किया है जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। तो भारत महान है, तो भारत का जो नंदनवन कश्मीर है तो ये तो और भी महान है।